साल पुराने लैपटॉप की हालत। तो काफी यूजर्स ने मुझसे पूछा है कि भाई जो आपने एक साल पहले एसर एस्पायर 3 खरीदा था, अब उसकी क्या हालत है। तो उसी के बारे में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। एसर एस्पायर 3 की मैंने लगभग एक साल होने जा रहे हैं, मैंने इसको सितंबर 2020 में खरीदा था, अभी एक साल हो गया है, एक साल से ज़्यादा ही हो गया है, अक्टूबर आ गया है। तो उसमें हम देखेंगे, उसमें आज हम बात करेंगे कि क्या लैपटॉप में परेशानी आई मुझको, क्या वीडियो एडिटिंग में परेशानी आई, या क्या गेम खेलने में मुझको परेशानी आई, और क्या फिजिकल में कुछ प्रॉब्लम आई, बैटरी में क्या प्रॉब्लम आई। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में जब इसको अनबॉक्स किया था या इसे क्वेश्चन आंसर बनाए थे, तो मैंने इसमें बताया था कि सबसे पहले किसी भी गैजेट्स की ख़राब होती है तो वह बैटरी, चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, तो उसकी बैटरी सबसे पहले ख़राब होती है। तो जैसे कंपनी इसको क्लेम करती है कि 9 घंटे, अप टू 9 घंटे बैटरी बैकअप है, पर कहीं नहीं, सब बकवास, सब फर्जी है। इसकी बैटरी बैकअप पहले भी 3 घंटे थी मैक्स, और अब भी 2 से 2.5 घंटे मैक्स है। एक साल बाद भी इसकी बैटरी 2 से 2.5 घंटे मैक्स चलती है। अगर मैं कॉन्टिन्यूस में काम कर रहा हूँ या वीडियो एडिटर या वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, तो बैटरी का तो ये हाल है। और हम बात करें तो गेम तो मैंने काफ़ी टेस्ट किए, इसमें पबजी टेस्ट किया और वॉलरेंट टेस्ट किया, काफ़ी गेम टेस्ट किए। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में सभी गेम टेस्ट के वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा। तो गेमिंग के लिए, नॉर्मल गेमिंग के लिए अच्छा लैपटॉप है, मतलब कि अच्छा खेल सकते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी का 2015 का कॉल ऑफ ड्यूटी एडवांस वॉरफेयर मैंने इसमें खेल के देखा है, उसका वीडियो भी मैं बनाऊंगा कल या परसों में आपको मिल जाएगा। तो एडवांस वॉरफेयर में भी अच्छा परफॉर्म करता है, 30 FPS तक लेवल है गेम। तो और जो कि लेटेस्ट है वॉलरेंट और पबजी पीसी लाइट, तो इसमें चलते ही चलते हैं, और एमुलेटर पर तो आप खेल सकते हैं एंड्रॉयड के, काफ़ी मैंने इसके वीडियो भी बना रखे हैं, अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कोडिंग इसमें हो पाएगी नहीं हो पाएगी। यार कोडिंग के लिए क्या ही आपको चाहिए, क्या चाहिए आपको वीडियो एडिटिंग में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लैपटॉप के रिसोर्स यूज़ करता है, वीडियो गेमिंग में आपके लैपटॉप पूरा रिसोर्स यूज़ करता है, रैम यूज़ करता है, वर्चुअल रैम यूज़ करता है। अब कोडिंग में आपको क्या ही इतना पावरफुल लैपटॉप चाहिए। अगर ज़्यादा ही पावरफुल चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा जाते हैं जिसमें वर्चुअल रैम आपकी डेडिकेटेड हो, 2 GB रैम हो या 4 GB वी रैम हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा ही। अगर कोडिंग करते हैं, पूरे हार्ड कोड कोडर हैं, तो आपको थोड़ा सा उसमें देखना चाहिए कि वर्चुअल रैम या वीडियो रैम आपकी डेडिकेटेड हो। तो ये तो बात हुई कोडिंग की। अब हम बात करें फिजिकल ओवरव्यू। फिजिकल ओवरव्यू अभी भी वैसा ही है जैसे कि पहले था, क्योंकि मैं ज़्यादा ऐसे रफली नहीं यूज़ करता हूँ, मतलब ऐसे ही पड़ा है तो ऐसे बस पड़ा है, मैंने कि इसको कपड़े से ढक के रखूं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे रफली रखा रहता है, ऐसा ज़्यादा मैं इसको इतना सिक्योर भी नहीं रखता हूँ, तो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ठीक है, अभी तो फिजिकल ओवरव्यू सभी पोर्ट से काम कर रहे हैं अच्छी तरह, USB पोर्ट सभी काम कर रहे हैं, चार्जिंग भी बाकायदा 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, और बैटरी बैकअप की मैंने बता ही दिया, 3 घंटे बैटरी बैकअप लेता है। और फिजिकल ओवरव्यू अभी सब कुछ सही है, उसमें कोई भी पोर्ट अभी सभी वर्किंग कंडीशन में है पोर्ट्स, ठीक है। और सभी सॉफ्टवेयर मैंने काफ़ी रन करा के दिखा दिया आपको, एडोब रन करा के दिखा दिया, तो ठीक है यार। नॉर्मल गेमिंग के लिए बहुत लोग गेम के लिए परेशान रहते हैं, गेमिंग नॉर्मल गेमिंग के लिए ठीक है, अगर हार्डकोर गेमर चाहिए तो आपको फिर बहुत ही आगे जाना पड़ेगा, आपका बजट बढ़ाना पड़ेगा, 70 से 80 हज़ार रुपये आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये तो था आज के वीडियो में थोड़ा सा ओवरव्यू, थोड़ा सा क्या मतलब कहें, अब इसमें बताने के लिए बचा ही क्या है यार, सब कुछ तो बता ही दिया है, बचा ही क्या है इसमें। और जो भी अगर आपको जानना हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका भी आपको आंसर जरूर देता हूँ, जो भी मेरे यूज़र होंगे जानते हूँ, मैं सभी के क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए आप आज ये वीडियो ख़त्म करते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।